नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोस की जो लड़ी मैंने शुरू की थी उसके 6 वीडियो आपने सुने होंगे, देखे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों ने ये 6 वीडियो देखे होंगे। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि चैनल का नाम ही है लाइफ विदाउट मेडिसिन, तो इस चैनल पे हम हेल्थ के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे बिना दवाओं के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक एजुकेशनल वीडियोज़ की एक लड़ी शुरू की है, ये 7वां वीडियो है उस लड़ी का। हमने उन 6 वीडियोज़ में ये बात की है कि हमारे शरीर के पास नेचर ने ऐसी एबिलिटी दी है कि ये अपना ध्यान खुद रख सकता है, ये अपनी रिपेयर खुद कर सकता है, ये अपनी सफाई खुद कर सकता है, ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारी बॉडी खुद काम करती है। उसी तरह से जैसे जब भी हम खाना खाते हैं या हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती या जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं होती, खतरनाक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे छींक आना, नाक से पानी बहना और चेस्ट कोल्ड जिसे हम बोलते हैं, खांसी होना, बलगम होना, ऐसे ही पेट की सफाई के लिए, स्टमक की सफाई के लिए वॉमिटिंग क्रिएट करना, लूज मोशन होना, और आखिरी हथियार बॉडी का होता है जब हम इन सारी चीज़ों को दवा लेकर डिस्टर्ब करते हैं तो आखिर में बॉडी के पास एक रास्ता बचता है कि इस गंदगी को अब हीट किया जाए और पसीने के रास्ते से बाहर निकाला जाए। बुखार होता है, मतलब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में अगर हम दवाई ना लें तो क्या करें, क्योंकि आप देखेंगे कि सब लोग, हम सब लोग अधिक दवाएं इन्हीं चीज़ों के लिए खाते हैं। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए हम सबसे ज़्यादा दवाएं इन्हीं चीज़ों के लिए खाते हैं। जबकि पिछले इन 6 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि ये सारी बीमारियां नहीं हैं, ये रोग नहीं है, ये हमारे शरीर का कुदरती तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का, अपनी सफाई करने का, अपनी क्लीनिंग करने का। अगर जब हमारा शरीर खुद क्लीनिंग कर रहा है, अपने आप को साफ रखने की कोशिश कर रहा है, तब हम इसे गलती से बीमारी समझ के, रोग समझ के दवाएं लेते हैं तो हम इस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम बॉडी सफाई कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, हम उसको डिस्टर्ब करके रोक देते हैं तो गंदगी हमारे शरीर के अंदर ही रुकी रहती है। वही गंदगी आगे चल के बहुत सारी गंभीर रोगों को जन्म देती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की दवा को हमारे शरीर की को जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह की दवा की जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती। तो अगला सवाल ये है कि फिर क्या करें, ऐसा क्या करें कि अगर आपको जुकाम है वो 7 दिन तक ठीक ही नहीं हो रहा तो आप दवाई ना लें तो क्या करें, अगर आपकी खांसी 10 दिन तक, 15 दिन तक ठीक नहीं होती है तो क्या करें, तो अगर आपका बुखार 2-3 दिन में अपने आप ठीक नहीं होता तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा शरीर इन सारी चीज़ों से लड़ पाए, या अपना जो काम है अगर वो क्लीनिंग कर रहा है तो अपना काम सफलतापूर्वक वो कर पाए, ऐसा क्या करें। तो अगर हम दवा ना खाएं तो कैसे हम इन चीज़ों से राहत ले पाए, क्योंकि मैंने बताया है कि ये डिजीज नहीं है, ये डिसईज है। इन सब चीज़ों में हमें डिसकंफर्ट होता है, हमें तकलीफ तो होती है। जब अगर लगातार नाक से पानी जा रहा है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको छींकें लगातार आती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं,
वॉमिटिंग आती है तो हम घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, कोई भी चीज़ लेते हैं वो बाहर आ जाती है, लूज मोशन होते हैं तो भी हम बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। बुखार में तो हम ऐसा करते हैं कि जब भी 98.4 से ऊपर 99 भी होता है तो हम पैरास्टामोल खा लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब होता है तो शरीर में मतलब पेन होती है, बॉडी एक होती है, टांगें दर्द करती हैं, बॉडी पेन करती है, तो हम दवा ले लेते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमें राहत मिल गई है। दवाएं क्या करती हैं, वो केवल इनके जो सिम्टम हैं, जो लक्षण हैं, उनको रोक देती हैं, सप्रेस करती हैं, दबा देती हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमारा शरीर उस गंदगी को बाहर निकालना चाहता है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो बाहर जाना ही चाहिए। नहीं बाहर जाएगी वो गंदगी तो हमारा शरीर घिर जाएगा रोगों से, गंभीर रोगों का शिकार हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, आज मैं आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर 3 दिन तक आप उस डाइट को लेंगे तो इन सारी चीजों से आपका शरीर सफलतापूर्वक लड़ लेगा, और सफलतापूर्वक लड़कर पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर आ जाएगा। तो उस डाइट को हम 3-स्टेप फ्लू डाइट के नाम से जानते हैं। यही वो डाइट है जिससे पिछले 1 साल में 60,000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट का इलाज किया गया है, बिना एक भी दवा दिए, बिना एक भी मौत नहीं हुई उन लोगों में से जिनका इलाज किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल लक्षण वाले लोग थे, इनमें गंभीर लक्षणों वाले लोग थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 40-35 रह गया था, उन लोगों को भी ठीक किया गया है। तो बहुत संक्षेप में मैं इस डाइट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो आप संभाल के रखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए, ताकि जब भी आपके साथ ऐसी स्थिति आती है, आपको जुकाम होता है, सर्दी होती है, कोल्ड होता है, और लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, बुखार होता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस डाइट को अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि 3 दिन में, बस 3 दिन में आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। क्या है ये डाइट? एक्चुअली इन 3 दिनों में, उस वक्त जब हमारा शरीर किसी चीज़ से लड़ रहा है, उस वक्त जब हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही है, साफ कर रही है, जब गंदगी से लड़ रही है, या किसी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ रही है, तब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। तो अगर हम उनकी सप्लाई बॉडी को दे देते हैं तो हमारा शरीर हर तरह की बीमारी से लड़ लेता है, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से लड़ लेता है। क्या है वो डाइट? पहले दिन पेशेंट का जितना वजन है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 60 किलो वजन, अगर मरीज का वजन 60 किलो है तो पहले दिन आपको उस वजन को, पेशेंट के वेट को 10 से डिवाइड करना है। 60 किलो को 10 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 6। तो 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास ही संतरा, मौसमी या पाइनएप्पल, इनमें से किसी भी खट्टे फल का जूस लेना है। जूस छानना नहीं है, जूस घर में बनाना है, बाहर से नहीं लेना है, तो विद फाइबर लेना है। और नारियल पानी गिलास 400-350 ml का गिलास होना चाहिए। तो पहले दिन बॉडी वेट को 10 से डिवाइड करना है, जितना जवाब आएगा उतने गिलास नारियल पानी और उतने गिलास ही खट्टे फल का जूस, संतरा, मौसमी या पाइनएप्पल, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये 12 गिलास पेशेंट को पीने हैं, एक बार नारियल पानी पी लिया, दूसरी बार मौसमी का जूस, तीसरी बार फिर बदल बदल के लेना है, और कुछ भी नहीं खाना है। और नारियल पानी भी कोई बॉटल वाला, कोई बाजार से मिलने वाला नहीं, ताज़ा नारियल में से लेना है। दूसरे दिन आपको बॉडी वेट को 20 से डिवाइड करना है, 20 से। तो अगर 60 किलो वजन है, 20 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 3। तो दूसरे दिन आपको 3-3 गिलास लेना है, 3 गिलास नारियल पानी, 3 गिलास संतरे, मौसमी या पाइनएप्पल का जूस लेना है।
और दूसरे दिन शाम को 7 बजे के करीब, 8 बजे से पहले पहले आपको बॉडी वेट इंटू 5, 60 किलो आपका वजन है तो 5 से गुना करेंगे, जवाब आएगा 300, 300 ग्राम खीरा और टमाटर अच्छे से चबा चबा कर खाना है। तो ये 2 दिन की डाइट होगी, 2 दिन में आपको बहुत सारी राहत मिल जाएगी। आप देखेंगे कि आपको बॉडी एक नहीं हो रही है, आपको परेशानी कम हो गई है, आपके सिम्टम जो लक्षण है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे। तो तीसरे दिन जो डाइट है वो बॉडी वेट को 30 से डिवाइड करना है, 30 से, तो 60 किलो वजन है, 30 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 2। तो 2 गिलास नारियल पानी और 2 गिलास संतरे, मौसमी या पाइनएप्पल का जूस आपको 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से पहले पहले ये 4 गिलास आपको पी लेना है। अब आपको भूख लगेगी दोपहर को 2 बजे, 1.5 बजे, 2:30 बजे आपको भूख लगेगी, तो आपको वही 300 ग्राम जो दूसरे दिन लिया था, 300 ग्राम खीरा और टमाटर खाना है अच्छे से चबा चबा कर। और फिर डिनर आ गया, डिनर में आपको फिर 300 ग्राम खीरा और टमाटर खाना है। खीरा और टमाटर 300 ग्राम खाने के बाद तीसरे दिन अगर आपको और भूख है, क्योंकि तीसरे दिन लगभग आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तो तीसरे दिन आप खीरा और टमाटर खाने के बाद घर का बना सादा खाना, कम घी वाला, कम नमक वाला सादा खाना, दाल रोटी जो भी चावल आप खाते हैं आपके घर में बनता है, वो आप तीसरे दिन रात को सलाद खाने के बाद वो ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसी अद्भुत डाइट है, अगर आपको जुकाम है, फ्लू है किसी तरह का, अगर आपको चेस्ट कोल्ड है, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग के में आपको ध्यान ये रखना है कि इसको घूंट घूंट करके पीना है, 1 गिलास को कम से कम 10 मिनट में फिनिश करना है, 1 घूंट लेके रुकिए, फिर 1 घूंट पीजिए, फिर रुकिए। तो लूज मोशन है तो भी आपको यही डाइट स्वस्थ कर देगी, और अगर आपको बुखार है तो एक ध्यान रखना है, इन सारी स्थिति में किसी भी चीज़ के लिए आपको दवा नहीं खानी है, ना लूज मोशन के लिए, ना वॉमिटिंग के लिए, ना बुखार के लिए, ना जुकाम के लिए दवा कोई नहीं लेनी है। तो आप देखेंगे कि बिना दवा के 3 दिन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत सारी दवाएं आप पहले से खा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, थायराइड की दवा खा रहे हैं, बहुत सारी दवाएं पहले से खा रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है ठीक होने में। तो तीसरे दिन के बाद 4th दिन से आप DIP डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। DIP डाइट के बारे में जानने के लिए मेरे इसी चैनल पे वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको DIP डाइट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बुखार अगर 3 दिन बाद भी रहता है तो आप तुलसी और गिलोय का काढ़ा दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, और साथ में आप 1 चम्मच पाउडर हल्दी दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी खांसी अगर लंबी चलती है 3 दिन से तो भी उसको राहत मिल जाएगी, बुखार है तो भी उसमें आपको राहत मिल जाएगी। मोस्टली 99% लोग लगभग 3 दिन में इस डाइट से ठीक हो जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी बॉडी ने अपना काम शुरू किया है तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको जुकाम कोल्ड होता है तो आप खुशी मनाइए, बुखार होता है तो आप खुशी मनाइए कि आपका शरीर पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है, अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। घबराइए मत, छुट्टी ले लीजिए, घर में आराम कीजिए, और इस डाइट को अगर फॉलो करते हैं तो 3 दिन में आप बिना एक भी दवा लिए इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा लेंगे। और ये देखेंगे उसके बाद जब नेचुरली शरीर इन स्थितियों से बाहर आता है तो बॉडी हमेशा स्ट्रांग होकर बाहर निकलती है। जब आप दवाओं से इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो आपका शरीर कमज़ोर होकर बाहर निकलता है। तो उन दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से आगे चल के और बहुत सारे गंभीर चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थितियों के लिए एक भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस डाइट को इस्तेमाल करके देखिए।
अब तक बहुत सारे लोग इस डाइट को अपना चुके हैं और इस डाइट से लाभ ले चुके हैं, आराम उनको आ चुका है, तो हम भी अपने घरों में इसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी लेकर हम मिलेंगे। अगर आप ये सब जल्दी सीखना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक महीने में रोज एक घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन लाइव, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाएं, इसको सीखना चाहते हैं पूरी की पूरी विधि को, इलाज विधि को, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल एजुकेटर के नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप इच्छुक हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया।